अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3 टैप्स रमज़ान स्पेशल वेज पकौड़े की रेसिपी लेके हाजिर हुई, जो घर के इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार की ये रेसिपी बनने वाली है। तो बस मेरी कोशिश है आपको आसान सी रेसिपी दे सकूँ, तो उसके लिए मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे और बॉल में हम 1 कप बेसन लेंगे और उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन। इस तरह हाथों से क्रश करते हुए हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 से 3 चुटकी हम डालेंगे यहाँ बेकिंग सोडा और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और कुछ पिंच हम डालेंगे हल्दी और 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। ये सभी को डाल के हम अच्छे से पहले मिक्स करेंगे। अब थोड़े से हम इसमें पानी डालेंगे और इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो इस बैटर को इतना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से आप मिलाएं ताकि इसके लम्स ना रहें और ये एकदम स्मूथी थिक सा ये बैटर बन के तैयार हो। तो बस बैटर को आप देख लें, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। अब हम यहाँ पे लेंगे 1 टमाटर, 1 बैंगन और 1 आलू। इस तरह से मैंने पतले पतले स्लाइस कर लिए हैं और बस घोल में हमें इस तरह डिप करना है और ऑयल हमारा एक तरफ गर्म हो चुका है, तो इस तरह से हम डालते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले हम सबकी पसंद यानी कि बच्चों की पसंद का ख्याल रखेंगे। आलू वाला मतलब पकोड़े हम पहले फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कितने फूले फूले से ये पकोड़े बनके तैयार हुए। तो दोनों तरफ से हम क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे और इसे हम टिश्यू पेपर में निकाल के जाएंगे। अब हम डालेंगे बैंगनों वाला पकोड़ा। तो इस तरह हम डाल के डिप करते हुए ये भी फ्राई कर लेंगे और बस ये बहुत ही झटपट से बन जाती है और इतनी मज़ेदार की करारी से ये पकोड़े बनते हैं। डिफरेंट किस्म का इसका टेस्ट होता है क्योंकि इसमें हमने डिफरेंट किस्म के बेस इस्तेमाल किया है। तो ये टमाटरों को भी इस तरह से बना लेंगे। तो सबसे ज़्यादा मेरे यहाँ तो टमाटरों वाला पसंद किया जाता है, आपके यहाँ कौन वाला पसंद किया जाता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ये हमारे सारे के सारे पकोड़े टमाटर आलूओं वाले और बैंगन वाले सभी हमारे पकोड़े बनके तैयार हो गए हैं। तो बस इसे टमाटो केचप ग्रीन चटनी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करें, ये बहुत ही मज़ेदार और टेम्पटिंग लगती है। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये रेसिपी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ हमेशा की तरह लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तो चलती हूँ, नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।